अपने चैनल ए टू जेड पाठशाला पर। दोस्तों अभी मैं हूं आपको आपको यहां पे दिख रहा होगा लिखा हुआ है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड NCL के सौजन्य से, यानी कि ये हिंडाल्को का एक प्रोजेक्ट है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे पहाड़ वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा है, यहां पे आपको सीन वगैरह मिलेगा। और ये आपको पड़ता है आप जब बनारस से चलिएगा, और ये आप जो रोड देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ का रोड है, यानी कि इस रोड से आप बिलासपुर अंबिकापुर होते हुए बिलासपुर भी जा सकते हैं। तो बनारस से होते हुए आप यहाँ पे आइएगा, और ये हिंडाल्को का एक रोड है, प्रोजेक्ट है यहाँ पे हिंडाल्को का, और लगभग बनारस से आपको 70 किलोमीटर के आसपास होगा। अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन लगभग मान के चलिए 70 किलोमीटर के आसपास होगा जब बनारस से आप आगे आइएगा, और बिलासपुर और अंबिकापुर के रूट में जब मुड़िएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, और चलिए मैं आपको पूरा दिखलाता हूँ कि कैसा है यहाँ पे। और ये रोड पे जाते हुए हाईवे के बगल में ही है, और एक अच्छा पिकनिक स्पॉट टाइप का है यहाँ पे। जब आइएगा आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, और लोग लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि सोन इको पॉइंट, वो लिखा हुआ है सोन इको पॉइंट, यानी कि यहाँ पे एक इको पॉइंट भी है। और इको पॉइंट, सोन इको पॉइंट का मतलब हुआ कि जो सोन नदी है, जो बिहार में जो सोन नदी है जो MP से होते हुए बिहार में जब जाती है, तो उसका यहाँ पे एक यहीं से निकलती है और इको पॉइंट है यहाँ पे। और यहाँ पे आप आके आप इंजॉय कर सकते हैं रुक के। और यहाँ पे कैंटीन वगैरह है, वो देख सकते हैं यहाँ पे क्या कैंटीन है, और आइसक्रीम वगैरह सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, और आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे, और काफ़ी इंजॉय आता है। और ये देख सकते हैं कि सीन यहाँ का बहुत ही अद्भुत सीन और मनोरंजन सीन आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे गणपति बप्पा का आपको एक मूर्ति भी मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गणपति बप्पा है, और यहाँ पे आप फोटो वगैरह शूट कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मूर्ति है गणपति बप्पा का। और आपको मैं उधर लेके चलता हूँ और क्या है यहाँ पे। और ये मरकुंडी के है, जो मरकुंडी आप जब आइएगा बनारस से तो मरकुंडी का एक चढ़ाई है जो काफ़ी पहाड़ी से होते हुए जाता है, और उस जगह का नाम है मरकुंडी। और मरकुंडी का जब चढ़ाई होता है काफ़ी जो पहाड़ पे जो आप चढ़ते हैं तो काफ़ी जो आपको मैं बताऊं कि जो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो होता है वैसा है यहाँ, यहीं से स्टार्ट होता है। और यहीं से आप इधर आप देख सकते हैं कि पूरा आपको सीन आपको दिखेगा यहाँ से। और ये जो है आप देख सकते हैं जो सोन नदी का है यहाँ पर, और डैम वगैरह इधर डैम बनाया गया है सोन नदी के ऊपर, तो काफ़ी इंजॉय आता है यहाँ पे, काफ़ी आप इंजॉय कर सकते हैं। और बैठने उठने की सारी व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है, शेड वगैरह भी बनाया गया है, अगर आप दोपहर में भी आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, आप आके शेड वगैरह है, और कैंटीन भी है, आप यहाँ पर आके कुछ भी अपना खरीद सकते हैं खा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और काफ़ी आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। और कुछ ऐसा सीन है यहाँ का, आइए ऋचा जी आइए, अरे आइए ना महाराज, कुछ ऐसा है देख सकते हैं, काफ़ी ऊपर में है और ये नीचे है, काफ़ी इंजॉय आता है सबको। जो भी इस रूट से अगर कोई आता है तो यहाँ पे एक बार जरूर रुकता है, और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह आप देख सकते हैं कि सब लोग ले रहे हैं, इधर भी ले रहे हैं। और मैं आपको पहले ही बताया कि ये गणपति बप्पा का जो मूर्ति है ये भी लगा हुआ है, और काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है, और यहाँ पे आप आके फोटो वगैरह भी ले सकते हैं। और फूल वगैरह सब लगाया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे काफ़ी अच्छा दृश्य है यहाँ पे।
और ये हिंडाल्को के सौजन्य से बनाया गया है। हिंडाल्को बहुत जानी मानी कंपनी है हमारे भारत में, तो उससे बनाया, उससे ये उसी का प्रोजेक्ट है और उससे आपको बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह भी आपको मिल जाएगा, मतलब कि कैंटीन है, आइसक्रीम है यहाँ पे मिलते रहता है हमेशा। और थोड़ा सा गर्मी भी है और मैं उधर से आ रहा हूँ मरकुंडी का चढ़ाई करके, आप देख सकते हैं इधर जो है, उधर से आप चढ़ाई करके आइएगा तो बनारस जाइएगा। और मेरे पीछे इधर से आप देख सकते हैं कि जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं, उधर से आप आइएगा बनारस से होके, आप फिर इधर जाइएगा, आप छत्तीसगढ़ और बिलासपुर चले जाइएगा। तो हम लोग अभी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आ रहे हैं, यानी कि उस रोड से आ रहे हैं और बनारस जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रुक के फिर सोचा कि आप लोगों को भी थोड़ा सा दिख रहा हूँ कि कैसा है, तो ऐसा सीन है यहाँ पे। शेड वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं, तो काफ़ी इंजॉय आता है और काफ़ी अच्छा है सीन यहाँ का। काफ़ी इंजॉय आ रहा है मोटा भाई को भी। मोटा भाई इंजॉय आ रहा है आपको? बहुत बहुत इंजॉय आ रहा है। और ये आप डॉक्टर साहब है, मोटा भाई है और ये मास्टर साहब है, और सब लोग हाई कर दीजिए ऐसे। हवा सब लोग इंजॉय कर रहे हैं और सीन देख ही सकते हैं आप पीछे, तो कुछ ऐसा है। VFX footage.